नमस्कार, मैं हूं आतुर, आप देख रहे हैं समझ न्यूज इंडिया। पुस्तकें जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, पुस्तकें हमारे लिए नए विचार, कल्पना, रचनात्मक और नए तर्क की शक्ति को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। लेकिन आज इन दिनों में बदलते युग में लोग मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर जैसे चीज़ों से जानकारी हासिल कर लेते हैं, लेकिन इन पर मिली जानकारी कभी कभार अधूरी होती है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं, कभी सामाजिक कार्यों में, कभी राजनीतिक कार्यों में, लेकिन उन्होंने पुस्तकों को लेकर लखनऊ में 10वीं कक्षा के छात्रों के साथ, उनके माता पिता और अध्यापकों के साथ पुस्तकों को लेकर चर्चा की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पुस्तकों को जो बच्चे पढ़ाई करने के बाद जब दूसरी कक्षा में जाते हैं तो अपनी पुरानी पुस्तकें जो हैं वो रद्दी में बेचने की बजाय या फिर कूड़ेदान में फेंकने की बजाय उन्हें स्कूल की लाइब्रेरी में दे दें, या फिर उन गरीब बच्चों को किताबें सौंप दें, उन्हें दे दें ताकि वो भी शिक्षा हासिल कर सकें। अच्छी पुस्तकें जहाँ भी मिलती हैं, प्रकाशन मिलती हैं, उसको हमें अपने पास रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो कम से कम हम अपनी अच्छी पुस्तक लाइब्रेरी में देने की आदत भी डालें, पब्लिक लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में। अब जैसे आप हाई स्कूल पास करने के बाद अगली कक्षा में जाएंगे, अगली कक्षा में जाने के बाद आपके पास हाई स्कूल की जो बुक्स होंगी, जो किताबें होंगी आपकी, आपका दायित्व तो बनता है कि उस पुस्तक को घर में कूड़ेदान में फेंकने की बजाय या रद्दी में बेचने की बजाय उसे अपने स्तर पर विद्यालय की लाइब्रेरी को अगर आप दान कर दें, किसी गरीब बच्चे को दे दें, ये आपको और अपने अभिभावक की सहमति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कई बच्चे पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में जाएगा तो उसी पुस्तक को कई बच्चे देख पाएंगे। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये प्रक्रिया आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्रों और उनके माता पिता, प्रधानाचार्य और अध्यापकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को जांचने का एक माध्यम होता है। प्रश्न पत्र बहुत क्लिष्ट हो तो अच्छे परीक्षा की निशानी होती है। प्रश्न पत्र सहज हो, सरल हो, वह हर बच्चे के मानसिक स्तर को जांचने का माध्यम बन सके, वह बौद्धिक रूप से कितना परिपक्व हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पुस्तक को घर में कूड़ेदान में फेंकने की बजाय और रद्दी में बेचने की बजाय उसको विद्यालय की लाइब्रेरी में दान कर दें। उन बच्चों की पढ़ाई के तौर तरीकों की जानकारी लेते हुए सभी को अपने पास एक छोटी डायरी रखने का भी सुझाव दिया। उन्होंने इस डायरी में जरूरी बातों को नोट करने की सलाह दी। कहा कि अगर सभी बच्चे रातें 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 4 बजे उठ जाएं तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अनुकूल होगा। रात भर जागने से दिन भर व्यक्ति को थकान रहती है, स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हर विद्यार्थी को पुस्तकालय जाने की आदत जरूर डालनी चाहिए। प्रयास करें कि महीने में कम से कम कोई एक पुस्तक जो पाठ्यक्रम से अलग हो उसे जरूर पढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, एसएमजेड न्यूज इंडिया।